हाँ भाई, तो कल क्या था, मैट्रिक्स में सारी प्रॉपर्टी बता दी जो मैट्रिक्स की थी। ठीक है, तो जैसे मैट्रिक्स में तुम्हें पहले यह बताया था कि मैट्रिक्स होता क्या है, तो आपको उसमें एक तो मैंने करवाई थी स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर दो क्या करवाई थी, रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह आयत आव्यूह, फिर नंबर तीन मैंने आपको रॉ मैट्रिक्स करवाई और नंबर चार कॉलम मैट्रिक्स करवाई, उसके बाद नंबर पांच डायगोनल मैट्रिक्स करवाई, नंबर छह स्केलर करवाई, नंबर सात इक्वल मैट्रिक्स करवाई, नंबर आठ कंपेयरेबल मैट्रिक्स करवाई, नंबर नौ आइडेंटिटी मैट्रिक्स करवाई, नंबर दस जीरो मैट्रिक्स करवाई। ठीक है, तो ये हमने क्या है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, और तुमसे अगर पूछ ले तो जीरो मैट्रिक्स का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जो मैंने बताया था कि आपसे ऑर्डर देकर जीरो की संख्या पूछ लेगा कि इस जीरो आव्यूह के अंदर कितनी शून्य है, तो कैसे पता करते हो, सीधी गुणा करनी है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, कल करवाया भी था लास्ट टाइम में, जैसे जीरो और तीन गुणा तीन लिख देता है, और अगर इसमें पूछे इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो कितनी है, शून्य। और अगर यूं पूछ ले कि इस आव्यूह में गैर शून्य सदस्य कितने हैं, अगर इसमें पूछ ले गैर शून्य, गैर शून्य क्या होते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट। अब ना तो तुम्हें हिंदी में पता होता गैर शून्य के डंगा है, और इंग्लिश बोल रहे थे वैसे ही कहानी फेल हुई है, तो दोनों बातें याद रखा करो। गैर शून्य का अर्थ क्या होता है कि जो जीरो ना हो, ठीक है, यानी नॉट इक्वल टू जीरो, वो होता है गैर शून्य नॉन जीरो। तो अगर यहां क्वेश्चन ये पूछे इस आव्यूह में गैर शून्य सदस्य कितने हैं, गैर शून्य सदस्य ऐसे पूछ ले, तो इस आव्यूह के अंदर गैर शून्य सदस्य क्या है, जीरो है। तो जीरो मैट्रिक्स बोल दे या शून्य आव्यूह बोल दे, शून्य आव्यूह में दो बातें पूछेगा, शून्यकों की संख्या कि कितनी शून्य है, दूसरी चीज तुमसे पूछेगा कि गैर शून्य सदस्य कितने। तो जीरो मैट्रिक्स में गैर शून्यकों की संख्या हमेशा कितनी होगी, जीरो होगी, फिक्स है ये। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमने ये बातें सीखी थी कि जैसे दो मैट्रिक्स बराबर दे दे, ये क्वेश्चन करिए आप, एक्स जमा वाई एक्स माइनस वाई पांच और सात बराबर का निशान लगाकर लिखा हो चार पांच आठ सात, वो कहता है x और y का मान निकालिए। और x और y इसीलिए मैंने पहले करवाए हैं तुम्हें कि जब दो समीकरण दो चर में हो तो उन्हें जोड़ना और घटाना, x और y का मान निकालना। अब देखो ये दोनों आव्यूह कैसे हैं, बराबर हैं, बराबर हैं, तो ये दोनों देखो एलिमेंट क्या हैं, बराबर है, इनको छोड़ दो, क्योंकि हमें बैलेंस किसको करना है, पहली रो के सदस्य किसके बराबर रखोगे, पहली रो के सदस्य के बराबर। तो यहां पहला सदस्य कितना है इसका, x जमा वाई, उसका पहला सदस्य कितना है, चार, इसका दूसरा सदस्य कितना है, x माइनस वाई, और उधर कितना है, आठ। अब तुम्हें मान निकालना है किसका, x और y का, तो इन्हें पहले जोड़ दो, जोड़ेंगे तो y से y क्या हो गया, कैंसल, क्या बचेगा तुम्हारे पास, दो एक्स, आठ और चार बारह, x का मान कितना आ गया, छ हो गया। इनमें से कहीं रख दो किसका आ जाएगा, y, जैसे x का मान छ आया है तो छ जमा y बराबर कितना है, चार, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का दो, कितनी हो जाएगी, माइनस का दो, दोनों आगे वैल्यू। तो अगर कभी भी ऐसा मैट्रिक्स दे देता है कि जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछी जाए तो ऐसे हल करना है। ठीक है, यह तो थी बात एलिमेंट की कि हमें एक्स जमा वाई और एक्स माइनस वाई देकर, ये दो देकर सामने एक मैट्रिक्स दी होगी और अब कहेगा एक्स और वाई का मान निकालो। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स आमने सामने बैठी है तो यह कंडीशन कौन सी लगती है, समान आव्यूह की, इक्वल मैट्रिक्स की। तो तुम्हें जो पहली रो है उसकी पहली रो के सदस्य के क्या रख दो, सामने रख दो,
और फिर एक्स और वाई का मान निकाल दो। नेक्स्ट, अब ऐसा ही एक और देते हैं, लिखिए यूं दे दे कि 2a जमा b और a माइनस b, और यहां लिख दे 0 और यहां लिख दे 7, बराबर का निशान लगाकर आपको दे दे 6, 8, 0 और 7। अब a और b निकालिए, करिए शाबाश कि अब हमारे पास a और b का मान क्या होगा। सही है, करिए शाबाश, करके देखोगे तो होना है, मेरा मुंह तकने से कुछ नहीं होना है। बी 10/3 और ए 14/3, इसीलिए मैंने तुम्हें दो चर वाले समीकरण पहले बताए थे, उसका कारण ये है क्योंकि वो सारी चीजें यहां यूज होती है। मैट्रिक्स करने से पहले उन्हीं को करना जरूरी होता है क्योंकि मैट्रिक्स में वो चीज दोबारा से काम आती है हमारे। हो गया, बराबर है तो बराबर रख दो, 2a जमा b बराबर कितना है पहला 6, a माइनस b बराबर कितना है 8। अब जोड़ दो, देखो b और b बराबर दिख रहे हैं ना, एक प्लस का और एक माइनस का, उड़ाया जा सकता है तो जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या बचेगा यहां 3a बराबर कितना आएगा 14, और a की वैल्यू कितनी होगी 14/3। आगे दूसरा तुम 2a से गुणा कर दो इसको तो क्या बन जाएगा, जब तुम्हारे पास b की वैल्यू निकालनी है तो ये है 2a जमा b बराबर 6, इसको 2 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 2b और बराबर है 16। अब घटा दो, घटाओगे तो ये प्लस और ये माइनस हो गया। अब a उड़ा दो, a से a क्या हो गया कैंसल, b जमा 2b 3b बराबर माइनस का 10, b का मान -10/3 हो गया। ये दोनों के मान आ गए a और किसके b के, सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है मैट्रिक्स का ये, ठीक है। हम टुच्चे क्वेश्चन तो हर कोई जानता है तो ये कंटेंट सीखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब इसी तरीके से कर दूं आगे। अब हमारे पास कहानी ये आती है कि दो मैट्रिक्स का जोड़ दे देगा और दो की घटा दे देगा और फिर पूछेगा दो मैट्रिक्स निकालिए, तो उससे पहले आप मैट्रिक्स की जोड़ और घटा सीखिए, ठीक है। तो अब दो मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है, दो आव्यूहों को जोड़ा कैसे जाता है, दो आव्यूहों या लिख दे मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस, हाउ बी एड एबल, हाउ बी एड एबल और सब्ट्रैक्ट एबल, कि दोनों मैट्रिक्स कैसे जोड़ी जा सकती है और कैसे घटाई जा सकती है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट एबल और एड एबल। अब देखो जब मैट्रिक्स को जोड़ना है और मैट्रिक्स को घटाना है तो एक ही बात पल्ले बांध के रखनी है कि जोड़ने वाली मैट्रिक्स और घटाने वाली मैट्रिक्स का क्रम बराबर होना चाहिए तो यह चीज संभव है वरना संभव नहीं है, ठीक है। कि दो अगर मैट्रिक्स, जैसे एक मैट्रिक्स ए दे दिया दूसरा मैट्रिक्स बी दे दिया, वो कहता है इनको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए इन दोनों के पास एक चीज समान होनी चाहिए और वो एक ही चीज समान होनी चाहिए, वो क्या है इसकी ऑर्डर वैल्यू, यानी ए और बी का क्रम क्या होना चाहिए बराबर, क्या होना चाहिए बराबर। जैसे हमारे पास ए का ऑर्डर लिख देता है वो 2×3 और इसका ऑर्डर लिख देता है 3×2, क्या ये दोनों मैट्रिक्स जोड़ी जा सकती है, तो नहीं। पहले का ऑर्डर 2×3 है और दूसरी का कितना है 3×2, तो इन दोनों को अब जोड़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ना तो इनकी पंक्तियां मिलती और ना इनके स्तंभ मिलते, तो जोड़ना तभी संभव है जब पंक्तियों की संख्या पंक्तियों के बराबर हो और स्तंभों की संख्या स्तंभों के बराबर, यानी दोनों मैट्रिक्स के रो और कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए यानी बराबर होने चाहिए, तो मैट्रिक्स जोड़ी और क्या की जा सकती है, घटाई जा सकती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ऐसे लिख देगा कि ए m×n है तथा
बी पी क्रॉस क्यू है, दोनों का जोड़ संभव है। वो कहता है दोनों का जोड़ संभव है, किस स्थिति में संभव है, किस स्थिति में, हां किस स्थिति में। तो ऑप्शन लिखता है वो, नंबर एक m प्लस n नॉट इक्वल टू p प्लस क्यू। दूसरा ऑप्शन लिखता है m की पावर n इक्वल टू p की पावर q। तीसरा ऑप्शन लिखता है m इज इक्वल टू p कॉमा n इज इक्वल टू क्यू, और फोर्थ दे देगा n o t, ऐसे आता है। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक क्या है बी, ए का ऑर्डर दे दिया उसने कितना दिया है एम क्रॉस एन, बी का ऑर्डर क्या दिया उसने पी क्रॉस क्यू। अब उसने एक क्वेश्चन अराइज किया है कि दोनों का जोड़ संभव होगा किस स्थिति में, कहने का अर्थ दोनों को जोड़ा जा सकता है कब, कब जोड़ा जा सकता है, जब एम बराबर क्या हो पी और एन बराबर क्या हो क्यू, तो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। हो गया क्लियर। नेक्स्ट, इसी तरीके से जोड़ के अलावा आपसे क्या पूछ लेता है यहां, घटाना, जोड़ के अलावा क्या पूछ लेता, घटाना संभव है कब, यही स्थिति है कि m बराबर क्या हो p और n बराबर क्या हो q। जैसे अब क्वेश्चन आता है कि a एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है, a एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है, और दूसरी b एक दूसरी स्क्वेयर मैट्रिक्स है। अब वो कहता है कि अगर हम a प्लस बी कर दें तो हमें c मिलता है, तो c इज, यानी c क्या है, तो ये भी स्क्वेयर है। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या बनता है देखो, वो कहता है एक एक वर्ग आव्यूह है, स्क्वेयर मैट्रिक्स का मतलब क्या बताया था, वर्ग आव्यूह, और b भी आपकी कैसी आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। अब वो कहता है कि हमने दोनों वर्ग आव्यूह को क्या कर दिया, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमें क्या मिला है, c एक मैट्रिक्स मिली है। वो कहता है c इज, c है। अब ऑप्शन देगा नंबर एक कि c आपकी स्क्वेयर मैट्रिक्स है, नंबर दो c आपकी रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स है, नंबर तीन दोनों हैं, और नंबर चार इनमें से कोई नहीं, ऐसे देगा। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, सिर्फ स्क्वेयर मैट्रिक्स कि जोड़ में जो होंगी ना दोनों, वही आगे उत्तर आएगा। अब जोड़ से पहले दोनों क्या हैं, वर्ग, तो जोड़ के बाद भी क्या रहेगी, वर्ग रहेगी। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि ए अगर वर्ग आव्यूह, बी अगर वर्ग आव्यूह है, दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो जोड़ने के बाद जो आव्यूह आएगा वो भी क्या होगा, स्क्वेयर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, अब एक इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, कि जैसे आपके पास क्वेश्चन किया जाता है कि जब दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है, दो मैट्रिक्स यानी आव्यूहों को जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होगा कि इफ वी हैव टू एड टू मैट्रिसेस तो व्हाट वी ऑब्टेन, कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है, जुड़ने वाली चीज है क्या, मैट्रिक्स, तो उत्तर क्या आना है, मैट्रिक्स। जैसे कल नहीं बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी, दो इंटीजर को जोड़ते हो तो उत्तर क्या आता है, इंटीजर। वैसे ही दो मैट्रिक्स को अगर जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है, मैट्रिक्स प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी आपको, मैट्रिक्स। अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछ ले, यहां एक नया क्वेश्चन ऐड कर देते हैं कि जब दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है तो मैट्रिक्स प्राप्त होती है, इस गुण को हम क्या कहते हैं, इस गुण को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इस गुण को क्या कहा जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। याद रखना, बड़े खास चीज है ये कि अगर आपसे पूछ ले कि जब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, मैट्रिक्स प्राप्त होती है, तो बताइए यह गुण क्या है, तो यह गुण क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने कल
बेसिक तरीके से भी बताया था जो छठी क्लास से शुरू होता है। दो अगर पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है? पूर्णांक। ठीक है, दो रियल नंबर को जोड़ा जाता है तो क्या मिलता है? रियल नंबर। तो वही चीज यहां है। ठीक है, तो अब दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है तो क्या मिलती है? मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे दो मैट्रिक्स को घटाया जाता है तो क्या मिलता है? दो मैट्रिक्स, हां दो मैट्रिक्स को अगर क्या किया जाता है? घटाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? मैट्रिक्स। क्या यह क्लोजर प्रॉपर्टी है? हाँ? कि जोड़ और घटा में क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी? यस, जब जोड़ते हैं तो क्लोजर है, तो घटाते हैं तो भी मैट्रिक्स ही आनी है ना, तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा? यस। तो क्या होती है? घटा में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। दो केस हो गए। अब नेक्स्ट, अब मैट्रिक्स जोड़ना सिखाते हैं। देखो, जैसे तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स आप लेते हैं जैसे ये एक तीन पांच। अब आपसे कहे, पहले तो ये पूछता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जैसे ही मैट्रिक्स दे दी सीधी, और अब आपसे पूछे कि ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने के लिए तुम लाइनें मारोगे एलिमेंट की सीध में। लाइनें कैसे मारोगे? लेटी लाइन और खड़ी लाइन। अब एलिमेंट की सीध में अगर हम खड़ी लाइन मारे तो कितनी लाइन लग सकती है? एक ही लगेगी। अब लेटी लाइन मारो, लेटी लाइन में एक दो तीन लग सकती है, लगी। लेटी लाइन आगे लिखनी है गुणा खड़ी लाइन पीछे लिखनी है। अब लेटी लाइन कितनी आई है? तीन। तो और खड़ी लाइन कितनी आई है? एक। तो तीन क्रॉस क्या हो गया? एक। ये इसका क्या हो गया? ऑर्डर। अगर आपको मैट्रिक्स देकर सीधा ऑर्डर पूछ ले तो कैसे, अगर जिसको मान लो पता ना हो कि ऑर्डर निकालते कैसे, प्लस टू में जिसने मैथ कर रखा है या बीकॉम में, बीकॉम जो करता है उसने फर्स्ट ईयर में मैथ किया हुआ है, उनके लिए तो दिक्कत नहीं है। यानी जिस बच्चे को इस मैट्रिक्स का पता नहीं है और यू मैट्रिक्स लिख दी अगले ने और फिर पूछे ऑर्डर बताओ, क्रम बताओ, तो तरीका क्या है? लेटी लाइन और क्या लगानी है सीध में? खड़ी लाइन। एलिमेंट की सीध में खड़ी लाइन होनी चाहिए। अब देखो तीनों के सीध में एक ही लाइन लग सकती है, और लेटी लाइन लगाओगे तो एक के लिए अलग, तीन के लिए अलग और पांच के लिए अलग। और लेटी लाइन को आगे लिखना है और खड़ी लाइन को पीछे लिखना है। चलिए, जैसे हमारे पास ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है और जिसमें एलिमेंट यू दे रखे हैं दो चार छ नौ। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा? दो क्रॉस दो। क्यों? क्योंकि इसमें खड़ी लाइन कितनी लग सकती है सीध बनाओ? एक दो, हो गया। और लेटी लाइन कितनी लग सकती है सीध बनाओ? एक दो। तो खड़ी लाइन और लेटी लाइन पता लग गया। अब लेटी लाइन पहले लिखनी है तो कितना है? दो। क्रॉस खड़ी लाइन कितनी है? दो। ऑर्डर आ गया। अब चेक करना हो कि हमारा ऑर्डर सही है या गलत, तो तुम बंदे गिन लो और इसकी गुणा देख लो। अगर मान लो तुम्हें कंफ्यूज हो जाए कि क्या हमारा उत्तर सही है, तो तुम क्या करो, इसमें बंदे गिनो। बंदे कितने हैं इसमें? चार। तो इनकी गुणा भी देखो कितनी है? चार। ओके, रिपोर्ट। ठीक है, चलिए। इसी तरीके से हमारे पास यू लिख देता है ए इज इक्वल टू एक दो तीन चार छ आठ। इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा? कि हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा? पहले तो लेटी लाइन मारोगे और फिर खड़ी लाइन। खड़ी लाइन शुरू करोगे तो एक एक के सीध में होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप टेढ़ी मेढ़ी खींचो। अब खड़ी लाइन जैसे लगाओगे तो एक एक के सीध में कितनी लगेगी? एक। फिर दूसरे के सीध में दो तीन चार पांच छ। खड़ी लाइन कितनी लगी है? छह लगी है। और लेटी लाइन में सारे एक ही सीध में है तो एक। तो लेटी लाइन पहले, खड़ी लाइन बाद में। ऑर्डर क्या आ गया? एक क्रॉस छह। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है कि अगर हमें मैट्रिक्स दे दी जाती है, ऑर्डर हमें पता नहीं है, तो ऑर्डर अगला पूछ ले तो क्या करो, अनजान के लिए ये तरीका है, खड़ी लाइन और क्या लगा दो? लेटी लाइन। ठीक है, लेटी लाइन आगे और खड़ी लाइन पीछे। ठीक है, ये है ऑर्डर निकालने का तरीका। चलिए अब हम जोड़ करते हैं। आपसे कहता है कि ए एक रो मैट्रिक्स है। ए एक क्या है? रो मैट्रिक्स है। और बी बी आपका रो मैट्रिक्स है। बी भी आपका रो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर पांच क्रॉस एक क्रॉस पांच है, सॉरी
एक क्रॉस पांच, और इसका ऑर्डर दे दे आपको एक क्रॉस दस, तो वो कहता है ए प्लस बी से प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक वो लिखेगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा लिखेगा स्क्वेयर मैट्रिक्स, तीसरा ऑप्शन लिखेगा रो मैट्रिक्स, चौथा लिखेगा एनओटी, ठीक है। समझिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या है ए और दूसरी मैट्रिक्स क्या है बी। अब उसने ये बोला है कि ए का जो ऑर्डर है वो क्या है एक गुणा पांच, और बी का ऑर्डर क्या है एक गुणा दस। दोनों कैसी मैट्रिक्स है, रो पंक्ति वाली आव्यूह है। अब वो कहता है अगर हम इनको क्या कर दें, जोड़ दें, जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वो इनमें से क्या होगा, तो वो क्या होगा, नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ए और बी का जोड़ संभव है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर क्या है सेम नहीं है। एक का आगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे भी मिलाओ, पीछे वाली चीज भी मिलनी चाहिए। जब आगे वाली चीज मिल जाती है तो पीछे वाली भी मिलान है करनी चाहिए। अब पीछे वाली मिलान नहीं कर रही, नहीं कर रही तो हमें कोई चीज प्राप्त नहीं होगी, ना तो स्क्वेयर होगी, ना रो होगी, और ना रेक्टेंगुलर होगी, ठीक है। चलिए अब जिक्र आता है हमारे पास ऐसे, जैसे ए मैट्रिक्स दे दी आपको, ये मैट्रिक्स है एक और पांच, एक मैट्रिक्स आपको दी गई है बी जिसके एलिमेंट हैं दो और नौ। अब आपसे कहता है ए प्लस बी क्या होगा, तो क्या काम करना है, जोड़ कैसे किया जाता है। देखो, इसके साथ रखोगे, इसके नीचे इसका पहला एलिमेंट रखोगे, एक के नीचे दुआ, और फिर पांच के नीचे क्या आएगा, नौका। ऐसे करना है, पहली रो के नीचे पहली रो, दूसरी रो के नीचे दूसरी रो सजाया करो। ऐसे जैसे पहली रो का एलिमेंट वहां कितना है एक, तो बी का पहला एलिमेंट कितना है दो, इसके नीचे लिखो और इसको क्या करना है, जोड़ना है। अब इसका पहला एलिमेंट कितना है, दूसरा पांच, और इसका क्या है दूसरी रो का नौ, और इसके लिए क्या लगाओ, जोड़। ऐसे अब एक और दो कितने हुए तीन, और पांच और नौ 14, ये तुम्हारी क्या आ गई वैल्यू, किसकी, ए प्लस बी की। यानी जोड़ करते टाइम क्या याद रखना है कि आगे जो मैट्रिक्स पड़ी है और एक क्या रखी गई है पीछे, तो पहली मैट्रिक्स की जो रो है उसकी पहली रो के नीचे दूसरी की पहली रो लगाओ और उन्हें सीध वाले एलिमेंट को जोड़ दो। अब इसकी पहली रो में एक था, उसकी पहली रो में दो था, दोनों को जोड़ लिया। इसकी दूसरी रो में कितना था, पांच, और उसमें कितना था, नौ, दोनों को जोड़ दिया। ये क्या आ गया इनका जोड़। अब ऐसे ही लिखता है ए बराबर, ऐसे दिया होता दो और ग्यारह, और बी आपकी मैट्रिक्स दी होती छह और पंद्रह। अब वो कहता है ए प्लस बी निकालिए। अब देखो सीध बैठगी ना, इसमें रो कितनी है एक, और इसमें भी रो कितनी है एक, तो पहली रो के नीचे क्या रखोगे, पहली रो ही रखोगे। अब दोनों के पास रो ही एक एक है, तो पहली के नीचे दूसरी लगा दो, छह और दो क्या बन गए आठ, 15 और 11 26, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, आंसर, ठीक है। ये तो था एक रो वाली और एक ही कॉलम वाली, तो कॉलम और रो मैट्रिक्स का जोड़ सीख लिया आपने। अब चलते हैं दो क्रॉस दो पे, तो दो क्रॉस दो पे कैसे चलते हैं, देखो जैसे तुम्हें मैट्रिक्स ये देता है कि 4 11 6 और 5, ये तो दे दी तुम्हें ए, दूसरी मैट्रिक्स लिखता है बी, वो कहता है 1 3 2 और 0। अब बताइए ए प्लस बी क्या होगा, तो क्या काम करना है। चाहे तो तुम ए के साथ बी जोड़ो, चाहे तुम बी के साथ ए जोड़ो, इससे हमें कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हमें जोड़ करना है। जोड़ करते टाइम आगे पीछे कहीं लिख सकते हो, ठीक है, ए जमा बी या बी जमा ए, कोई फर्क नहीं है। तो इसकी पहली रो के नीचे इसकी पहली रो रखो, पहली रो कितनी है इसकी एक और तीन, चाहे इसके ऊपर रख दो, चाहे एक एक और क्या रख दिया तीन, इन दोनों को जोड़ के पहली रो में लिखोगे, तो 4 और 1 कितना पांच, 11 और 3 14 हो गया। ये तो हो गया पहली रो का हिसाब। अब आ जाओ दूसरी रो, इसमें दूसरी रो कितनी है 2 और 0, इसकी दूसरी रो के नीचे रख दो, 2 और क्या रख दिया 0, 6 और 2 8, 5 0 5,
पांच, ये दोनों का क्या आ गया, जोड़ आ गया। ठीक है, तो जब भी मैट्रिक्स का जोड़ करना हो तो यानी रो को पकड़ो आप, तो रो के नीचे रो रखते चलो, पहली रो के नीचे पहली, दूसरी के नीचे दूसरी, तीसरी आ जाए तो तीसरी, और सीधा उनको जोड़ के आगे लिख दो। ये होता है मैट्रिक्स का जोड़। चलिए तीन क्रॉस तीन का करिए आप लोग। जैसे हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स हमारे पास ये है चार जीरो तीन, तीन पांच आठ, दो एक चार, ये तो मैट्रिक्स है ए। दूसरी मैट्रिक्स आपके पास बी है एक जीरो एक, जीरो एक एक, एक एक जीरो, ए जमा बी निकालिए। जोड़ हो गया, यानी जोड़ में अब कोई दिक्कत नहीं है। पहली रो के नीचे पहली लगाओ, दूसरी के नीचे दूसरी लगाओ, और तीसरी के नीचे तीसरी लगाओ, और जोड़ के रख दो। ठीक है, जैसे इसके नीचे क्या लिखे आप, एक, यहां जीरो, और यहां क्या है एक, इनको क्या करना है, जोड़ना है। फिर दूसरी रो ये है जीरो एक और एक, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तीसरी रो क्या है, एक एक जीरो, और इनको क्या करना है, जोड़ना है। ये ए प्लस क्या आ जाएगा, बी। अब ए प्लस बी का आंसर क्या बना आपका, जैसे चार और एक कितना हुआ पांच, जीरो जमा जीरो, तीन और एक चार, तीन जीरो तीन, पांच और एक छह, आठ और एक नौ, तीन दो चार, ये तुम्हारा क्या मिल गया, जोड़ मिल गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जैसे जोड़ किया है वैसे ही घटा करोगे। घटा करते टाइम एक ही बात याद रखें, जोड़ में तो चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो कोई फर्क नहीं है, चाहे इन रो को ऊपर लिख दो चाहे इनके क्या रख दो नीचे और जोड़ दो, ये तो जोड़ में है। घटा करते टाइम पहली मैट्रिक्स में से जब क्या घटती है, दूसरी घटती है, तो पहली की रो के नीचे दूसरी रो ही रखनी है, पहली के नीचे दूसरी की रो रखनी है और फिर घटा करनी है, ऊपर नहीं रखना उसे। ठीक है, यह घटा के अंदर याद रखना है। जैसे हम घटा करते हैं, देखो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ये तीन पांच सात और नौ, और दूसरी मैट्रिक्स हमें बी दे रखी है, बी दे रखी है हमें छ दो एक चार। वो कहता है ए माइनस बी बताइए क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इस रो के नीचे यही रो रखनी है, पहली के नीचे पहली रखनी है, किसकी, ए के नीचे बी वाली आनी चाहिए, ना कि बी के नीचे ए वाली। अब ए पहले ये है और बी बाद में ये है, तो इसकी रो देख लो कितनी है, छह और दो, तो वो इसके नीचे रखोगे छह और क्या रखोगे दो, और क्या करोगे माइनस। दूसरी रो कितनी है इसकी, एक और चार, ये इसके नीचे रखोगे एक और चार और माइनस कर दो। अब आपका आंसर आ जाएगा, क्या मिलेगा, तीन में से छह जाए तो माइनस का तीन, फिर तीन, फिर छे और फिर पांच, ये तुम्हारी घटा आ गई। तो दो मैट्रिक्स को क्या कर दिया आपने, घटा दिया। तो घटाते टाइम स्पेशल याद रखना है, आगे वाली मैट्रिक्स की रो के नीचे पीछे वाली मैट्रिक्स की रो रखोगे, ठीक है, उल्टा नहीं करोगे। अगर b माइनस ए होता, क्या होता, b माइनस ए, तो तुम b वाली रो के नीचे कौन सी रखते, a वाली रखते। ठीक है, ये तरीका याद रखना है घटा के लिए। चलिए अब जैसे वो कहता है कि हमारे पास ये आता है कि एक मैट्रिक्स तीन क्रॉस तीन की ओर देता हूं, वन जीरो वन, जीरो दो तीन, तीन जीरो पांच, ये तो तुम्हारी ए है, और बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है माइनस एक चार छ, जीरो तीन जीरो, पांच एक नौ, ए माइनस बी निकालिए क्या होगा, कि आपके पास दो मैट्रिक्स दी हुई है, एक ए है एक बी है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। करिए शाबाश।
इसमें स्पेशल कोई मंत्र नहीं पढ़ना, बस जोड़ घटानी चाहिए आपको, बाकी सब काम ओके है। हो गया, सिंपल है, ए माइनस बी आ गया सबका, ठीक है। तो यानी पहली रो के नीचे क्या रखोगे, पहली रो, दूसरी के नीचे दूसरी, तीसरी के नीचे तीसरी, रखकर क्या कर दो, घटा दो, हर किसी में से हर किसी को घटाओगे, आपका क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी। अब ए ये है तो इसके नीचे माइनस एक रखोगे, ठीक है, और फिर इसे घटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, चार घटाओगे यहां तो क्या है, माइनस, छह घटाओगे यहां माइनस, फिर जीरो घटाओगे, फिर क्या घटाओगे, तीन, और फिर क्या घटाओगे, जीरो, फिर क्या घटाओगे, पांच, फिर क्या घटाओगे, एक, और फिर क्या घटाओगे, नौ, ठीक है। तो क्या मिली मैट्रिक्स आपकी, एक माइनस एक, उसके पास पहले से माइनस था तो वो क्या हो गया, प्लस, तो क्या आएगा, टू। जीरो माइनस फोर क्या आएगा, माइनस फोर, वन माइनस सिक्स माइनस का फाइव, जीरो माइनस जीरो जीरो, टू माइनस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस जीरो थ्री, ठीक है, थ्री माइनस फाइव माइनस का टू, जीरो माइनस वन माइनस वन, फाइव माइनस नाइन माइनस का फोर, दिस इज योअर ए माइनस बी। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ए माइनस बी, ठीक है। तो ये तो थी जोड़ और घटा, अब इसको समीकरण के हिसाब से कैसे करते हैं, देखो हमारे पास ये आता है, यूं दिया होता है, एक्स जमा वाई बराबर दे देगा एक दो, फिर एक्स माइनस वाई बराबर लिख देगा पांच और चार। अब यहां क्वेश्चन पहला ये उठता है कि यहां पर जो हमने एक्स और वाई लिखे हैं ये क्या है, मैट्रिक्स है, क्योंकि सामने जो चीज पड़ी है वो क्या है, मैट्रिक्स, और एक्स और वाई किस फॉर्म में बैठे हैं, कैपिटल लेटर फॉर्म में बैठे हैं, ठीक है। ये तो मैं बताया था कि जब भी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं तो किस में करते हैं, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स की फॉर्म में करते हैं। तो देखो एक्स बड़ा है और वाई भी बड़ा है, दोनों किस में पड़े हैं, जोड़ में, और सामने क्या दी हुई है, एक मैट्रिक्स, तो इसलिए ये चीज दोनों क्या है, मैट्रिक्स है, पहली बात। दूसरी बात, जो एक्स और वाई है इनका ऑर्डर वही होगा जो सामने वाले का है, सामने वाले का ऑर्डर कितना है, एक क्रॉस दो, तो एक्स और वाई का भी ऑर्डर क्या होगा, एक क्रॉस दो। दो बातें पूछता है यहां, पहली बात तो ये पूछता है ऐसा देकर कि व्हाट्स द एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई तुम्हारे पास क्या है, यहां पे मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स। दूसरी बात ये पूछता है कि एक्स और वाई का ऑर्डर क्या होगा, तो जो ऑर्डर उनके सामने बैठे हैं वही ऑर्डर इनका होगा, उनका ऑर्डर कितना है, वन क्रॉस टू, तो इनका भी ऑर्डर क्या होगा, वन क्रॉस टू, ये है। अब वो पूछता आपसे कि इनकी वैल्यू बताइए, एक्स मैट्रिक्स कितनी होगी और वाई मैट्रिक्स कितनी होगी। तो देखो एक्स के लिए और वाई के लिए आपको पता है निशान अलग किसके हैं, वाई के, तो जोड़ दो दोनों को, पहले क्या कर दो, जोड़ दो, तो आप जोड़ोगे तो आपके पास ऐसे करना है, ये है, आप जोड़ो, जोड़ोगे तो सीध बैठ रही है ना, तो यहां कितना आएगा, दो एक्स, वाई तो खत्म हो गया। अब एक और पांच छ, दो और चार है छ, आ गया। अब इधर देखो इसके आगे क्या लगा हुआ है, दुआ लगा हुआ है, और तुम्हें सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की, तो आप लोगों को एक काम करना है, इसको दो से क्या देनी है, भाग, और इनके अंदर वालों को दो से भाग देनी है, इनके अंदर वालों को क्या देनी है, दो से भाग, ये करना होता है। चाहे तो आगे लिख दो एक बटा दो, लेकिन एक बटा दो आगे रेयरली लिखा आता है एग्जाम के अंदर, आंसर फिक्स पूछता है। अब फिक्स आंसर क्या आएगा तुम्हारा, तीन और तीन, ये तुम्हारी क्या मिल गई, एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की, यानी यहां टू एक्स आया था तो टू एक्स के आगे जो टू है वो हटाना है, हटाने के लिए इसको दो से क्या दे दोगे, भाग, ये तो गया। जब उधर दो से भाग दिया ना
तो इन एलिमेंट को भी तुम किससे भाग दे दोगे, सबको दो से भाग दे दोगे। ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स आ गई कौन सी, एक्स। अब कौन सी निकालनी है, वाई। वाई के लिए क्या करना है, घटाना है। घटाओगे तो ये क्या हो गया, प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल। तो अब आपकी वैल्यू क्या आएगी यहां पर, टू वाई। क्या आएगी यहां पर, टू वाई। तो जब टू वाई लिखोगे तो वैल्यू क्या है आपकी, टू वाई। इधर घटाओ, एक में से पांच गया, माइनस का चार। क्या आएगा, माइनस का चार। और दो में से चार गया, माइनस का दो। हो गया। लेकिन हमें वैल्यू दो वाई की नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, वाई। तो दो से क्या देना है, भाग। यहां भी दो से भाग दो और इनको भी दो से क्या दे दो, भाग दे दो। आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का दो और क्या आएगा, माइनस का एक। दिस इज योअर वाई। हो गया। तो यानी जब हमें एक्स जमा वाई दे रखी हो और एक एक्स माइनस वाई दे रखी हो, तो इसमें तीन बातें पूछता है। पहली बात तो ये पूछता है कि ये बड़े एक्स और वाई हैं क्या, तो ये मैट्रिक्स होंगे क्योंकि सामने मैट्रिक्स है। दूसरी चीज तुमसे क्या पूछेगा कि इनका ऑर्डर क्या है, एक्स और वाई का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर वही होगा जिनके वो सामने बैठे हैं। तो एक्स जमा वाई जिसके सामने बैठे हैं, वही ऑर्डर एक्स और किसका होगा, वाई का होगा। फिर तीसरी चीज पूछता है कि एक्स और वाई का मान निकालो। तो एक्स और वाई का मान ऐसी स्थिति में निकालना है तो क्या करना है, एक बार तो जोड़ और एक बार क्या करनी है, घटा। आपका उत्तर आ जाएगा, जोड़ करते टाइम क्या मिलेगा तुम्हें, एक्स, और घटा करते टाइम तुम्हें वैल्यू किसकी मिलेगी, वाई की। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कीजिए आप ऐसा ही, दो क्रॉस दो का देते हैं आपको, एक्स जमा वाई। ऐसा देकर आपके पास यूं लिख देता है, चार, तीन, सात और पांच। और दूसरी वैल्यू देता है एक्स माइनस वाई इक्वल टू, लिखता है एक, दो, तीन, चार। अब आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, करिए शाबाश। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। जोड़ करते टाइम तो जोड़ो और सबको दो से भाग दो, बात खत्म। घटाने वाले टाइम घटाओ फिर बाद में सबको दो से भाग दो, बात खत्म। ये तरीका है। यो के है जुड़ गया पहले, जोड़ते टाइम जोड़ का तरीका बता रखा है। इसको इसके साथ जोड़ोगे तो पहली रो के साथ क्या जोड़नी है, पहली। दूसरी के साथ क्या जोड़नी है, दूसरी। ये जोड़ दो, जोड़ते टाइम क्या करना है, देखो इनका जोड़ करोगे तो यहां आपके पास कितना आएगा, 2x आ लिया। अब इनको जोड़ने का क्राइटेरिया ये था, पहली रो के नीचे क्या लिख लो, पहली रो। दूसरी रो के नीचे क्या लिख लो, दूसरी रो। हो गया ना। इनकी रो उठाओ, पहली के नीचे पहली, दूसरी के नीचे दूसरी, और अब इनको जोड़ दो। जोड़ने के बाद क्या मिलेगा तुम्हें, चार और एक पांच, उधर तीन और दो पांच, सात और तीन दस, और पांच और चार नौ। आ गया यहां। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की। एक्स की चाहिए तो ये दुआ यहां से काटो और सबको दो से भाग दे दो, सबको दो से क्या दे दो, भाग दे दो। ये आपका आंसर है। ये वैल्यू आ गई किसकी, एक्स की। सेम क्या करना है अब वाई के लिए, अब माइनस करना है। अब वाई की वैल्यू चाहिए तो ऊपर वाले में से नीचे वाली को क्या करना है, माइनस करना है। अब ऊपर वाले में से नीचे वाली को माइनस करोगे, माइनस और क्या हो जाएगा, प्लस। अब आपको यहां पे क्या करना है, इनको हटा दो, ये पड़े रहने दो, कोई बात नहीं। एक और क्या पड़ा है, दो। अब यहां निशान क्या लगा दो, माइनस। ठीक है। अब नीचे वाले को चेंज कर दो, इसको क्या आएगा यहां पर, 2y और इक्वल टू क्या लिखोगे, घटा के। अब देखो चार में से एक जाएगा,
तीन, तीन में से दो जाएगा एक, और यहां सात में से तीन गया चार, और पांच में से चार गया एक, इसे क्या कर दो काट दो, और दो से क्या दे दो सबको डिवाइड, ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई वाई की। ठीक है, तो यानी ऐसा अगर केस आता है और आपसे पूछता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी यहां और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो पहले एक्स के लिए क्या करो इनको जोड़ो और वाई के लिए इनको क्या करो घटाओ, और फिर दो आएगा आगे, जो दो आ जाए चार आ जाए छह आ जाए तो वो यहां से काटो और उधर उनको भाग दे दो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये दो ही आए, हो सकता है एक्स और वाई के आगे कुछ और लिखा हो, जैसे अब क्वेश्चन देता हूं एक, ऐसे भी हो सकता है कि जैसे अपने पास ये कंडीशन लिख दे दो एक्स जमा वाई बराबर आपके पास है एक पांच चार दो, और नंबर दो आपके पास है एक्स माइनस दो वाई, इसकी वैल्यू है आपके पास जीरो एक छ तीन। अब आप एक्स और वाई निकालिए, इनमें गुणांक बराबर करके जोड़ और घटा होती है, इनमें क्या होती है गुणांक बराबर करके जोड़ और क्या करनी होती है घटा, गुणांक बराबर करते टाइम जब जोड़ोगे तो जो माइनस वाला है ना उनके गुणांक बराबर करोगे जोड़ते टाइम। अब जोड़ते टाइम यहां देखो y के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे क्योंकि y प्लस और क्या है माइनस, तो गुणांक पहले बराबर किसके करोगे y के, y का यहां गुणांक कितना है एक और यहां कितना है दो, तो इसको दो से क्या करनी पड़ेगी गुणा, तो यहां कितना हो जाएगा दो वाई, और इसको भी दो से क्या करनी पड़ेगी गुणा। ठीक है, तो ये गुणा के बाद करवाते हैं, पहले आपको स्केलर मल्टीप्लीकेशन सिखा देता हूं उसके बाद ये न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन सिखाता हूं इसमें, तब ये आसान हो जाएगा। सबसे पहले जब मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोली जाती है तो ये क्या चीज होती है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वैसे मैट्रिक्स के अंदर दो मल्टीप्लीकेशन होती है, एक तो मैट्रिक्स के लिए स्केलर मल्टीप्लीकेशन होती है और दूसरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, एक तो क्या करते हैं मैट्रिक्स के अंदर स्केलर, स्केलर को हम हिंदी में अगर लिखें तो एडिस गुणन, क्या बोला जाता है इसे एडिस गुणन, तो मैट्रिक्स का कौन सा गुणन करना है एडिस। दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का अर्थ क्या होता है अवयुहों की गुणा, इसका अर्थ क्या होता है अवयुहों की गुणा, ये होता है। पहले ये क्लियर करते हैं हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपको दे रखी है ये एक चार पांच और नौ, वो आपसे कहता है टू ए निकालिए, क्या निकालना आपको टू ए, ये होता है यानी किसी मैट्रिक्स को एनी नंबर मल्टीप्लाइंग, कि किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी संख्या से गुणा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी हिंदी में नाम उसका क्या है एडिस गुणन। एडिस गुणन का अर्थ है किसी अवयव को किसी भी प्रकार की संख्या से क्या कर दो गुणा कर दो उसे हम क्या कहते हैं एडिस गुणन। जैसे हमें क्या चाहिए अब टू ए चाहिए ना, तो ए तो दे ही रखा है 2a निकालना है, तो इनके जितने मेंबर हैं उनको सबको दो से गुणा कर दो, इसका अर्थ क्या होता है जो इसके आगे होता है ना उससे क्या करना होता है इस साइड सबको अंदर गुणा करनी है, तो सबके पास जाएगा वो तो क्या करेगा आपके पास दो आठ दस और क्या बना देगा 18, ये होती है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों साइड क्या की थी दो से गुणा, तो उस गुणा के अंदर ये असर होगा कि मैट्रिक्स को हम कौन सी गुणा कर रहे हैं ये एडिस गुणन। चलिए गौर करवाते हैं इसमें, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक मैट्रिक्स आपके पास है एक जीरो 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 पांच छ छ नौ दो, अब वो कहता है हमें सात ए चाहिए, क्या होगा बताइए। हाँ, सबको गुणा किससे करनी है सात से करनी है। ठीक है, तो सात ए क्या आएगा आपके पास
ये आएगा 7 0 0 0 35 42, उसके बाद 42 63 और कितना आएगा 14। ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई किसकी, 7a की। इसे कहते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या हिंदी में नाम इसका क्या दिया जाता है, एडिस गुणन। ठीक है, ऐसे केस एक और करवाते हैं। पहले ये कीजिए, जैसे आपको एक मैट्रिक्स का क्राइटेरिया यूं देता है स्केलर में, ए बराबर मैट्रिक्स देगा 2 4 6 5, एक मैट्रिक्स आपको बी देगा, बी लिखेगा 2 -1 6 9। अब वो कहता है इसकी वैल्यू बताइए, 2a + 3b होगा। तो इसको 2 से करो, इसको 3 से करो और जोड़ दो। ठीक है, हमारे पास कि जो वो कहता है a ये है और b ये है। अब हमें a + b का कैसा क्राइटेरिया है, 2a चाहिए और 3 क्या चाहिए, b। तो इसको 2a में बदल दो, 2a कितना हो जाएगा आपके पास 4, फिर 12 और फिर 8 और क्या हो गया 10। ठीक है, और दूसरे को गुणा किससे करनी है, 3 से। दूसरे को गुणा किससे करनी है, 3 से। तो इसको 3 से करोगे तो इसके नीचे लिख दो क्या आएगा, 6 - 3 18 और कितना 27। अब दोनों का क्या करना है, जोड़। जोड़ करना है तो इसके नीचे लगा दो, क्या लगा दो, 6 - 3 और यहां लगा दो 18 और यहां लगा दो 27। जोड़ के लिख दो क्या आएगा, 10 9 26 और 37। ये तुम्हारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यानी जब कभी ऐसे दे दे ए ये है और बी ये है तो ये निकालिए। तो अब उनके आगे गुणा थी, गुणा किसकी थी, 2 और 3 की। वो 2 और 3 जो लिखा है उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिस गुणन है। किसके अंदर है, मैट्रिक्स के अंदर। तो इस तरीके से हमने जोड़ करना है मैट्रिक्स का। इसी तरीके से घटाई भी जाती है, जैसे जोड़ी जाती है वैसे घटाई भी जा सकती है। चलिए, अब हमारे पास इसके बाद हमने क्वेश्चन ये लिखा था 2x + y = मैट्रिक्स, बदल देता हूं 2 0 6 5। ठीक है, और एक था अपने पास x - 2y, यह मैट्रिक्स है मान लीजिए 6 2 1 4। अब इसमें x और y निकालिए आप, अब इसमें x और y निकालिए। पहले आप जोड़ोगे, क्यों करोगे जोड़, क्योंकि हमारे पास पहले क्या है, y पड़ा है, तो x निकाल लेंगे। x तभी निकलेगा जब दोनों y के गुणांक क्या हों, बराबर। तो इस पूरे को 2 से क्या करनी होती है, गुणा करो शाबाश और फिर जोड़ो। हो गया, जोड़ के लिए इसको गुणा किससे किया था, 2 से कर दिया ना। लिखना कैसे, देखो हमें पता है कि इसको 2 से गुणा करके जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे,
खत्म हो जाएंगे। ये दोनों जुड़ेंगे ना, इधर 4x और इधर कितना है x, तो कितना हुआ 5x हो गया यहां पे। अब इसको 2 से गुणा करके इधर अलग से मैट्रिक्स लिख दो, क्या लिखोगे 4, 0, 12 और 5 हो गया ऐसा। अब इसको इसके साथ क्या करना है, जोड़ना है, तो इसकी पहली रो के नीचे लगा दो 6, 2, दूसरी रो है हाँ सॉरी 5 की जगह 10, दूसरी रो के नीचे दूसरी 1 और कितना है 4। अब क्या मिलेगा तुम्हें 10, 2, 13 और 14, ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू है 5x की है। लेकिन जो x के आगे है उसे काट कर इनके क्या लगा दो, नीचे लगा दो, तो x का मान क्या आएगा आपके पास, सबको 5 से भाग दे दो इनको, तो 2, 2/5, 13/5 और क्या आएगा 14/5, ये वैल्यू किसकी आ गई x की। x तो गया, अब हटाना है किसको, y को। तो x को हमें कैसे लेकर चलना है, देखो यहां x का गुणांक क्या किया था और y का गुणांक क्या किया था बराबर, अब घटाने की बारी आ गई, घटाने की बारी है तो x को घटाएंगे, x के आगे गुणांक यहां कितना है 2, तो अब x का गुणांक क्या किया जाएगा बराबर, तो इसको क्या किया जाएगा 2 से गुणा, फिर क्या किया जाएगा ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया जाएगा। तो कैसे करना है देखो, ये हटा दो सब, अब देखो हमने क्या किया, इसको 2 से गुणा की है, 2 से गुणा की है तो ये क्या बन गया 12, 4, 2 और कितना हो गया 8, इसमें से घटाओगे ऊपर वाले में से, अब कौन सी घटेगी नीचे वाले, तो इसके नीचे लगा दो कितना है 12, यहां कितना 4, यहां कितना 2 और यहां कितना है 8, इनको घटा के लिखना है तो माइनस माइनस। अब देखो एक्स से तो एक्स गया, यहां वाई है, यहां 4y होगा और घटा रहे हो तो ये माइनस माइनस प्लस, तो कितने वाई आएगा 5y, जैसे 5x आएगा ना वैसे 5y आएगा। और इस तरीका याद रखो कि जब y का केस लेंगे तो ऊपर वाले में से क्या घटानी है, नीचे वाले घटानी है, और गुणा जरूर याद रखनी है। अब क्या आएगा आंसर, ऊपर क्या है 2 में से 12 गए माइनस के 10, 0 में से 4 गए माइनस 4, यहां 6 में से 2 गए 4, 5 में से माइनस का 3, इनको क्या कर दो उड़ा दो, पर इसके नीचे क्या लगा दो 5 लगा दो, ये तुम्हारे पास क्या आ गई वैल्यू एक्स और वाई। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया था कि अगर समीकरण देकर, ऐसा समीकरण देकर एक्स और वाई का मान पूछे तो कैसे निकालना है। अब आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन तुमने कर ली, अब मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जब करते हो ना तो खास क्वेश्चन आता है, उसमें आपको ट्रिक भी बताएंगे 2x2 की, कि ऐसी मैट्रिक्स आ जाए तो छपाक से आंसर लगा सकते हो। ठीक है, आगे जेई का पेपर दिया था किसी बच्चे ने यहां से, कोई नहीं है जेई। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या निकालनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में क्या कहानी है और कैसा क्राइटेरिया है, जैसे एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3x क्या लिख लिया आपने 1, एक मैट्रिक्स बी है तो उसका ऑर्डर इससे उल्टा होना चाहिए तो गुणा फिट बैठती है, या दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही गुणा करते हो तो आगे वाली से पीछे वाले का ऑर्डर क्या होना चाहिए अपोजिट। ठीक है, किस केस में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। नंबर 2, स्क्वेयर मैट्रिक्स आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्क्वेयर मैट्रिक्स की गुणा से क्या मिलेगी स्क्वेयर, और रेक्टेंगुलर से क्या मिलेगी स्क्वेयर, रेक्टेंगुलर से भी क्या मिलेगी स्क्वेयर। कैसे देखो, अब मुझे गुणा करनी है किसकी ए और बी की, तो मैं ए को आगे लिखूंगा बी को क्या लिखूंगा पीछे, ऐसे ही चलना है। अब जो आगे वाले में ऑर्डर है वो कितना है 1x3, तो दूसरी का क्या होना चाहिए 1x3 होना चाहिए। अब इसका क्या है 1x3 है ना, तो अब ये गुणा जो करी है आपने
इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका तो कॉलम काट देना, इसकी रो उड़ा देना। आगे वाली मैट्रिक्स का क्या काटोगे, कॉलम, पीछे वाले मैट्रिक्स की क्या उड़ाओगे, रो। अब बच क्या गया, आगे क्या बचा, तीन, पीछे क्या बचा, तीन। गुणा होने के बाद ऑर्डर क्या होगा इनका, तीन क्रॉस तीन। अब देखो ली आपने कौन सी मैट्रिक्स थी, दोनों रेक्टेंगुलर, मिले कौन सी आपको, स्क्वायर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो ये रेक्टेंगुलर है। ऑर्डर ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर की जब भी गुणा करोगे उत्तर किस में आएगा, स्क्वायर में ही आएगा। अब ऐसे कैसे लिख दें आप, जैसे अपने पास एक मैट्रिक्स है दो क्रॉस क्या लिख लिया तीन, और दूसरी मैट्रिक्स आपकी बी है, तो इसका ऑर्डर गुणा के लिए क्या होगा, तीन क्रॉस दो होगा। अब मैं इनकी गुणा करना चाहता हूं, तो गुणा करने के पश्चात मेरा ऑर्डर क्या होगा, दो क्रॉस क्या आएगा, दो। कैसे, आगे वाली जो मैट्रिक्स है इसकी क्या काट दो आप, कॉलम, जो पीछे वाली मैट्रिक्स है इसकी क्या उड़ा दो, रो, कट गया। अब जो बचता है उन्हें लिख दो, आगे क्या बचा, दो, और यहां कितना बचा, दो। तो इस गुणा के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, दो क्रॉस दो होगा। अब देखो आपने दोनों मैट्रिक्स ली कौन सी थी, रेक्टेंगुलर, आंसर किस में आएगा, स्क्वायर में। ये हमेशा पल्ले बांध के रखनी है कि दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, दे आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो इन प्रोडक्ट वैल्यू न्यू मैट्रिक्स जनरेटेड ऑफ ऑर्डर बी एंड ऑफ मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स वो कैसी होगी, हमेशा स्क्वायर मिलेगी। कैसी मिलेगी, स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये कि आपके पास दोनों मैट्रिक्स कैसी थी, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर इनटू में क्या थी, रेक्टेंगुलर, दोनों मैट्रिक्स आ गई। आंसर आपका किस में जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, किस में जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टी हमें काम आती है, क्योंकि प्रॉपर्टी का रोल बड़ा अदा करता है मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स की अगर प्रॉपर्टी आती है ना, तो सवाल कुछ भी नहीं है इसके, और अगर ये प्रॉपर्टी नहीं आती फिर तुक्के वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो इसकी खास जो चीज है वो प्रॉपर्टी है। चलिए अब आप लिखते हैं कि जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है ए, और जिसका ऑर्डर दे रखा है एक क्रॉस एम, और एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर दे रखा है बी क्रॉस एम, एम क्रॉस वन। वो कहता है ए बी हैव हाउ मैनी एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि दोनों की अगर गुणा कर दें तो बनने वाले सदस्य क्या रहेंगे, एक ही आएगा उत्तर, ठीक है। देखो कि हमारे पास अब सदस्य पूछे हैं, अब ऑर्डर नहीं पूछा उसने, तो सदस्य के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ऑर्डर चाहिए। तो अब देखो एक ही गुणा किसके साथ कर रहे हो, बी के साथ, तो इसके हम क्या काट देंगे, कॉलम, और इसकी क्या काट देंगे, रो, गया। अब जो बचता है वो लिख दो, क्या बचा है, एक गुणा एक, तो एक गुणा एक की वैल्यू एक, तो सदस्य कितने हैं, एक, ठीक है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि दो मैट्रिक्स है ए और बी, इनकी हम गुणा करने चले हैं, गुणा करने के बाद जो तुम्हें मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसमें कुल सदस्य कितने बचेंगे, तो कितने बचेंगे, एक। उल्टा कर दो, अगर तुमसे पूछ लेता कि बी ए में सदस्य कितने होंगे, अब बताओ, एम स्क्वेयर, क्या होंगे, एम स्क्वेयर। अब बी आगे लिखो, बी की वैल्यू कितनी है, एम क्रॉस वन, और ए को पीछे लिखो, ए की वैल्यू क्या है, एक क्रॉस। आगे वाली मैट्रिक्स की हमेशा वैल्यू क्या कटती है, कॉलम, पीछे वाले में क्या कटती है, रो। अब जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या मिलेगा, एम क्रॉस एम, तो आपके एलिमेंट क्या होंगे, एम स्क्वेयर, ठीक है। तो ये बड़ी खास बात है कि अगर वो कहता है कि ए बी की गुणा ये है और बी ए की गुणा ये है, बताइए अब ऑर्डर क्या होगा और एलिमेंट कितने होंगे, सदस्य कितने होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से हमारे पास ये लिख देता है कि एक मैट्रिक्स आपकी जिसका ऑर्डर यू लिखा हुआ है ए आई जे, और ऑर्डर लिख दिया उसने तीन क्रॉस दो क्रॉस तीन। बी मैट्रिक्स दी हुई है आपको और जिसमें एलिमेंट यू छाप देगा बी आई जे और तीन क्रॉस दो। वो लिखता है कि बी ए कैरी, बी ए कैरी हाउ मैनी एलिमेंट्स, देखते पता लग जाना चाहिए आपको,
तो कितने एलिमेंट्स होंगे अगर हम बी और किसकी गुणा करते हैं, ए की। कि अब हम बी और ए की गुणा कर रहे हैं तो बी आगे रखोगे और ए कहां रखोगे, इनसे हमें कोई मीनिंग नहीं है, ये तो बस फंसाने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। जब गुणा आ जाए और सदस्य पूछ ले तो तुम्हें एक ही बात पे फोकस करना है, सिर्फ ऑर्डर पे। किस पे करना है? ऑर्डर पे। अब देखो बी ए निकालना है तो बी ये है और ए ये है, तो जो बी है वो आगे है, आगे है तो उसको क्या उड़ा दो? कॉलम। ए कहां है? पीछे, तो क्या उड़ा दो? रो। काट दिए, ये दोनों काट के ये आगे लिख दो, आगे कितना? तीन, पीछे कितना? तीन। ये ऑर्डर आ गया, तीन तीये नौ, ये क्या आ गए? एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख देता है और कहता है कि गुणा करने के पश्चात इनमें सदस्यों की संख्या क्या होगी, तो आपको पहले और फर्स्ट पॉइंट पे क्या ध्यान रखना है? ऑर्डर। क्या ध्यान रखना है? ऑर्डर, यानी पहले की रो, दूसरे के क्या होने चाहिए? कॉलम। और पहले के कॉलम और दूसरी की रो बराबर होनी चाहिए, किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन के लिए। और किस केस में? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में, कि जब दो मैट्रिक्स कैसी है? रेक्टेंगुलर। तो निशानी क्या है? पहली मैट्रिक्स की रो, दूसरी के क्या होने चाहिए? कॉलम। और पहली के कॉलम और दूसरी के बराबर क्या होंगे? रो। ये तरीका है किस मैट्रिक्स की गुणा के लिए, जब दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? रेक्टेंगुलर। क्या है दोनों? रेक्टेंगुलर। तो तभी गुणा होगी, वरना गुणा नहीं होगी। नंबर दो, अगर स्क्वेयर मैट्रिक्स आ जाए तो दूसरी भी क्या होगी फिर? स्क्वेयर। स्क्वेयर स्क्वेयर की गुणा की जा सकती है तब ऑर्डर सेम हो। जैसे इस स्क्वेयर का ऑर्डर 2x2 है और इस स्क्वेयर का कितना है? 3x3। क्या गुणा हो सकती है? तो नहीं हो सकती। स्क्वेयर मैट्रिक्स में जब गुणा करनी है तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो गुणा क्या है? संभव है, वरना गुणा संभव है? नहीं है। किस केस में? स्क्वेयर के केस में। हो गया। चलिए अब हम गुणा सीखते हैं। पहले हमारे पास ये दिया जाता है, जैसे शुरुआत करते हैं हम अकेली रो से, जैसे एक दो और तीन है, एक मैट्रिक्स में तो रो ले ली, तो दूसरी मैट्रिक्स गुणा करनी है ना, तो 100% कॉलम है। दूसरी मैट्रिक्स क्या होगी गुणा के लिए? कॉलम मैट्रिक्स होगी। तो दूसरी मैट्रिक्स इसके साथ गुणा हो जाए तो कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है, पूछ ले आपसे, तो ये मैट्रिक्स कौन सी है? रो है। तो दूसरी कौन सी होगी? इसकी साथी कॉलम होगी, तभी गुणा संभव है। तो इसका मतलब जितने सदस्य इसमें हैं उतने सदस्य उसमें होंगे। तो कैसे लिखोगे? जैसे ये दे देता है 4, दो और क्या दे देता है? 5। वो कहता है इनकी गुणा निकालिए। गुणा कैसे की जाती है? पहले की रो इस्तेमाल करोगे और पीछे वाले के कॉलम इस्तेमाल करोगे, आगे वाली मैट्रिक्स की रो और पीछे वाले के कॉलम। जैसे वो कहता है हमें गुणा निकालनी है पहले एबी, एबी निकालनी है, तो आप लोग क्या करेंगे? एबी को पहले लिख लो। एबी कितनी है? 1, 2, 3। और इस मैट्रिक्स के साथ बी पीछे लिख दो, 4, दो और कितना है? 5। अब हमें इस रो को गुणा किसके साथ करनी है? इस कॉलम के साथ। कि मैट्रिक्स का रूल है कि जब दो मैट्रिक्स की गुणा करो तो पहली मैट्रिक्स की हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे अपन? रो। और दूसरी मैट्रिक्स का क्या इस्तेमाल करेंगे? कॉलम। अब ध्यान रहे, गुणा तभी है जितने एलिमेंट इस रो में हैं उतने एलिमेंट तुम्हें कहां मिलेंगे? कॉलम में मिलेंगे, तो ही गुणा संभव है, वरना नहीं है। अब देखो गुणा कैसे करेंगे, इसको क्या है, यूं खड़ी कर दो पौड़ी की तरह, इसको खड़ी करेंगे तो 1, 2 क्या बन गया? 3। ऐसे करोगे, कर दी। अब ये रो है और ये क्या था? कॉलम। और कॉलम के साथ गुणा किसकी कर रहे हो तुम? रो की कर रहे हो ना। तो इनके सीध वालों को गुणा करके लिखते चलो, इनके सीध वालों को क्या करनी है? गुणा करनी है। अब 4 की सीध में कितना है? 1, तो 4 आ गया। फिर 2 की सीध में कितना है? 2। उसकी गुणा करने से पहले निशान क्या लगाओगे? प्लस। ठीक है, तो कितना आ गया? 4। फिर 5 दिए 15, ये आपकी वैल्यू आ गई। 4 और 4 8 और 15 कितने हुए? 23। ये आपकी गुणा आ चुकी है किसकी? ए और बी की। कि जब तुम्हें ए और बी मैट्रिक्स की गुणा करनी है तो ए मैट्रिक्स की क्या इस्तेमाल करो? रो।
और बी मैट्रिक्स में क्या इस्तेमाल करोगे, कॉलम। और गुणा करनी कैसे है, इस रो को यूं खड़ा कर दो, अब पैरेलल होगी, समांतर होगी। अब जो सीध बैठती है उनकी आपस में क्या करो, गुणा। गुणा करके उनको क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ोगे, आपको कैसे पता चला कि यही उत्तर आएगा, अब ऑर्डर से पता कर सकते हो कि उत्तर आपका सही है या गलत। ए का ऑर्डर कितना है, 1x3, इसका ऑर्डर 3x A। ए आगे है, बी कहां है, पीछे, तो ए में क्या कटेंगे, कॉलम, और बी में क्या कटेगी, रो। ऑर्डर कितना बचेगा, 1x1, तो एक ही एलिमेंट है ना, प्रूफ है, ठीक है। तो एलिमेंट कितना आएगा इस गुणा में, एक ही एलिमेंट आएगा। चलिए अब आप कीजिए ये, अब अगर ऐसे लिख देता है 2x2 की सिखा देते हैं, जैसे आपके पास 2, 4, 1 और 5 है, और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास बी है, और बी मैट्रिक्स के सदस्य ऐसे दे रखे हैं 6, 1, 3 और 2, ऐसे आ जाए, वो कहता है कि आप ए बी निकालिए, आपको क्या निकालनी है, ए बी। तो आप पेपर के टाइम क्या करोगे, ए बी को अलग नहीं लिखोगे, आप ये लिखोगे ए और बी की गुणा जब निकालनी है तो ए तो तुम्हारे पास पढ़ा ही है, उसके पैरेलल में क्या खड़ा कर दो, बी को, किसको खड़ा कर दो, बी को, 6, 1 और कितना है, 3, 2, ऐसे लिख दो। ये क्या बन गया, अब ए बी बन गया। अब आगे जो बैठी है उसकी तो रो और पीछे वाले का कॉलम, अब गुणा करनी कैसे है, देखो ये हम पहली रो लिखेंगे, ये रो कौन सी है, फर्स्ट, पहले इसका हिसाब करेंगे, पहली रो दोनों कॉलम के पास जाएगी, क्या जाएगी, दोनों कॉलम, यहां कॉलम ये कौन सा है, C1, ये कॉलम कौन सा है, C2, दोनों के पास जाएगी। और गुणा लिखनी कैसे है, जब पहली रो पहले कॉलम के साथ जाएगी उसे पहली जगह लिखना है, क्या लिखना है, पहली जगह, क्या लिखा जाएगा, R1 C1, यहां लिखोगे। जब आपकी R1 किसके साथ आएगी, C2 के साथ, उसको दूसरी जगह लिखोगे, क्या लिखोगे, R1 C2, ये होगी। फिर आप किस तरह इस्तेमाल करोगे, R2 का, किसका इस्तेमाल करोगे, R2 का। अब R2 भी C1 और किसके साथ जाएगी, C2 के साथ, तो R2 पहले किसके साथ जा रही है, C1 के साथ, फिर R2 किसके साथ जा रही है, C2। ये आपका गुणा का क्राइटेरिया है। तो पहले हमें गुणा किसकी प्रोवाइड करनी है, यहां से R1 C1 की। करोगे कैसे, देखो R1 उठाओ और इन दोनों के बीच में पैरेलल खड़ी कर दो पूरी की तरह, तो पैरेलल खड़ी करोगे तो 2 और क्या है 4, ऐसे हो गया ना। पहले C1 से गुणा करो, फिर किससे करो, C2 से करो। अब C1 से करते हैं, पहले क्या बनता है, देखो C1 से जैसे करोगे तो सीध देख लो, 2 6 12, क्या आएगी, 12, और 3 4 12, गुणा करके क्या करना होता है, जोड़, हो गया। ये तो हिसाब हो गया किसका, R1 C1 का। अब R1 को C2 के साथ ले आओ, सीध पड़ी है तो क्या होगा, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, ये हिसाब किसका हो गया, R1 C2 का, दोनों गए। अब इसको हटा दो यहां से, अब आपकी पहली रो का हिसाब हो चुका है, उसे हम यहां से उड़ा देते हैं। अब हमें कौन सी उठानी है, दूसरी रो, दूसरी रो कितनी है, 1 और 5, यहां 1 और क्या लिख दो 5, और ब्रैकेट लगा दो। अब इसकी गुणा इसके साथ क्या आएगी, 6 एकम 6 5 3 15। अब दूसरे के साथ ले आओ, पैरेलल ही है, 1 एकम 1 और 5 दूनी 10, ये दोनों गुणा और आ गई, आपका आंसर हो गया। तो ये है गुणा ए और बी की। हम एक्स्ट्रा मत्था नहीं मारना कि अलग ले जाके गुणा करके देखेंगे, इतना पेपर में टाइम कहां है तुम्हारे पास, सीधा छोटी छोटी क्या की वैल्यू लिखो और गुणा ऐसे मारो। तो यानी ए की गुणा किसके साथ करनी है, बी, तो पहली रो उठाओ पैरेलल रखो, दूसरी रो उठाओ पैरेलल, और दोनों के साथ गुणा करो। जब पहली रो से करते हो तो दोनों एलिमेंट पहली रो में लिखने हैं, जब पहली रो से दोनों को क्या करते हो, गुणा, तो दोनों एलिमेंट किस में लिखोगे, पहली रो में। जब दूसरी रो से गुणा करते हो तो दोनों एलिमेंट कौन सी रो में रखोगे, दूसरी रो में, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या आ गई, गुणा आ गई किसकी, ए और बी की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब कभी भी दो मैट्रिक्स की गुणा करनी हो और 2x2 में है तो पहली की हमेशा इस्तेमाल क्या करोगे आप, रो,
और दूसरी मैट्रिक्स के क्या इस्तेमाल करोगे, कॉलम। हो गया, गुणा करके और क्या करना होता है, जोड़। क्या करना है, जोड़। चलिए अगर ये कि हमारे पास एक मैट्रिक्स देता है, ये मैट्रिक्स आपके पास 1, 3, 7, 2 और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास बी है जो आपको दी हुई है 0, 1, 4 और 6। ए बी निकालिए, क्या निकालना है, ए बी, करिए शाबाश, ए बी निकालना है, यानी ए के साथ बी की गुणा करनी है, यानी यू हैव टू बी रिक्वायर्ड दैट ए बी, क्या निकालना है, ए बी, ठीक है, करिए शाबाश। तरीका वही है, पहली रो को बीच में फिर दूसरी रो को बीच में, हाथों हाथ काम पक्का। ए के गुणा कहां लेके जा रहे हो, बी में, तो इसकी पहली रो उठा के इनके बीच खड़ी कर दो, क्या है, 1 और 3 खड़ी कर दी। अब पहले गुणा किससे करोगे आप, पहले कॉलम से, पहले कॉलम से करोगे, 0 और 1 गुणा कितनी आएगी, 0 प्लस 4 दिए 12, 0 प्लस 12 कितना, 12 ही आ गया। हो गया, अब इसको इधर घुमा दो, 1 गुणा 1 6 दिए 18, 18 और 1 कितना आ गया, 19। हो गया हिसाब पहले का, अब इसे इरेज कर दो। अब कौन सी रखेंगे इसके बीच, दूसरी, क्या रखेंगे, दूसरी, तो दूसरी रो कौन सी है, 7 और 2। अब पहले पहले कॉलम से घुमाओ, 7 0 0 और 2 4 8, 8 और 0 कितना, 8। अब दूसरे कॉलम पे घुमा दो, 7 एकम 7 2 6 12, 12 और 7 19 आपका आंसर आ गया। ये क्या है, ए इंटू बी, हो गया, क्लियर है। तो गुणा करना क्या है, इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं मैट्रिक्स में, बस तरीका याद होना चाहिए कि दो अगर रेक्टेंगुलर आ जाए और गुणा करनी है तो उत्तर क्या आएगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा, और स्क्वायर है तो हमेशा ही क्या रहनी है, स्क्वायर ही रहनी है, ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये लीजिए आज इतना ही।